नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। इसराइल में चल रहे हमास के हमले से पूरी दुनिया सकते में है और हमास के लड़ाके जिस तरह इंसानियत को तार तार कर रहे हैं वो किसी को भी कपा सकता है। पूरी दुनिया में इसराइल का साथ देने के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं और हमास की बुराई। इसी तरह भारत में भी इस युद्ध को लेकर चिंता देखी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है पुष्कर और पुष्कर का खबाद हाउस। वैसे तो भारत में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत 18 खबाद हाउस बीते 30 सालों से संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें देश भर से आने वाले यहूदी धर्मावलंबियों को टोरा धर्म ग्रंथ के अध्ययन के साथ साथ यहूदी धर्म से संबंधित उत्सव रीति रिवाज आयोजित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ यहूदी इसराइली नागरिकों की मदद के उद्देश्य से भी इनकी स्थापना की गई है। जैसे ही इसराइल पर फिलिस्तीनी के चरमपंथी हमास लड़ाकों के हमले शुरू हुए, उसके बाद ही पुष्कर में इसराइली धार्मिक स्थान खबाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहां सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। ये बाहर बने बंकर में अलर्ट पोजीशन में रहते हैं। अब जिला पुलिस की स्पेशल टीम के जवान भी खबाद हाउस की निगरानी करेंगे। यहाँ सादा वर्दी में स्टाफ तैनात किया गया है। आपको बता दें, पुष्कर से बड़ी संख्या में इसराइली पर्यटकों ने दिल्ली मूव किया है। पुष्कर को मिनी इसराइल कहा जाता है। यहाँ पूरे साल भर इसराइली सैलानियों की आवक रहती है। इसराइली कई त्योहार यहाँ मनाते हैं। आने वाले नवंबर दिसंबर में इनका बड़ा त्योहार खानुका है। खबाद हाउस के संचालक व यहूदियों के धर्मगुरु सिमसन गोल्डस्टीन खास तौर से यहाँ पहुँचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों के निशाने पर पुष्कर का खबाद हाउस हमेशा रहा है। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कॉलमैन हेडली ने 2009 में इसकी देखी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमलों के बाद हुआ था। खबाद हाउस की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुलासे के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसी NSG, ATS, QRT टीमों ने यहां कई बार एंटी टेरर और हॉस्टेज सिचुएशन ड्रिल को अंजाम दिया। सुरक्षा कारणों के चलते खबाद हाउस पर 24 घंटे सशस्त्र जवानों की तैनाती रहती है। मिनी इसराइल में इसराइल टूरिस्ट का दर्द भी सामने आया। भरे हुए गले, आंखों में आंसू लिए अपनों की परेशानी दिखी। बच्चों और महिलाओं के साथ अत्याचार पर अपना उन्होंने दुख व्यक्त किया। इजरायली पर्यटकों में हमास को लेकर गुस्सा था। उन्होंने कहा कि मानवता और शैतान के बीच जंग है। प्रार्थना करते हैं कि जीत मानवता की हो। हमास की हरकत को कायरतापूर्ण बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की गई। उसने कहा कि हम इसका करारा जवाब देंगे और हारने वाले नहीं है। ये काम मानवता का नहीं, शैतान कर सकता है। I personally am very concerned about my family. I have relatives that are living down south in the southern border, and I've been told that they're okay, but the people around them, there are many missing people, many casualties, many civilians that are missing, don't know where they are, and it's very, very concerning for myself, because some of these people I know many of the people, and it's very, very concerning. I'm in contact with the families, but some of the people are missing and they don't know where they are. There were many people that were taken hostage. Currently we don't know which people are held hostage, and I'm very, very worried and concerned about the situation. What do you pray for the country? Wow. I pray for there to be peace, and I pray for there not to be any more situations like this in the future. It's very, very concerning for all the people. What is your good name? Sorry? What is your good name and where are you from? My name is Jonathan, and I live in a place called Kfar Saba, not far away from Tel Aviv. I also heard that there are missiles that have been shot to Jerusalem and Tel Aviv. So that's why I'm also concerned about these missiles that are being shot as well. अलग से कोई जाप्ता लगाया गया? बिल्कुल अलग से टीम में गठन किया गया है, जो पर्टिकुलर चीज को फोकस करके देखिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।